चलिए, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, ये भी यहां तक में कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सियसनेस, इमरजेंसेस। ठीक है, देखिएगा क्या होता है कॉन्सियसनेस। ठीक है, नाउ द थर्ड डिफाइनिंग फीचर इज कॉन्सियसनेस। हमें पता है कॉन्सियसनेस का मतलब है एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड। ठीक है, कॉन्सियसनेस का मीनिंग क्या है? एबिलिटी टू सेंस कह सकते हो आप, या एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड। एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड, देखिए बहुत अच्छे से समझाती हूँ। आपने कभी सुना है कि कहीं पे आपने कोई चेयर तोड़ दी, बाकी के चेयर्स बैठ गए धरना प्रदर्शन पे, है ना, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। सुना है कभी ऐसा? नहीं ना, क्योंकि वो तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। आप एक चेयर तोड़ो, दो चेयर तोड़ो, तीन चेयर तोड़ो, बाकी के जो रिमेनिंग चेयर्स होंगी वो कभी भी ऐसा प्रोटेस्ट जैसा काम नहीं करेंगी, फैक्ट है ना। लेकिन अगर आपने आए दिन सुना होगा कि किसी कंपनी के वर्कर के साथ में, अगर किसी जो वहां के हायर अथॉरिटीज है, जो बॉस है, जो उनके, ठीक है, जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, अगर उन्होंने कुछ भी मिसबिहेव किया तो बाकी के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो उनके कलीग्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो प्रोटेस्ट कर देते हैं, करते हैं ना। यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्हीं के पास में तो है ये एबिलिटी टू सेंस या एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। मैंने उस दिन भी आपको एग्जाम्पल देकर समझाया था, प्लांट्स में भी ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमने प्लांट्स में 5 टाइप्स के मूवमेंट्स जो पढ़े थे वो यही तो थे, रिस्पॉन्ड ही तो थे। कि कोई प्लांट्स है फोटोट्रॉपिज्म है, जनरली वो क्या कर रहा है, लाइट के टुवर्ड्स द लाइट क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। हाइड्रोट्रॉपिज्म है, टुवर्ड्स द वॉटर क्या कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही जियोट्रॉपिज्म है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी क्या कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो प्लांट्स के जो रूट्स पार्ट हैं, तो ये लिविंग बींग्स ही तो हैं, यानी कि हर एक बींग्स में क्या प्रॉपर्टी होती है। गेटिंग माई प्रॉप एक मिनट, क्या बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है नेट का। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा बेटा कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है बस, है ना। तो ये क्या है, ये भी तो एक लिविंग बींग्स की प्रॉपर्टी है। कभी तो हमने नहीं सुना कि एक नॉन लिविंग बींग्स ने कहीं किसी के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्ड किया। इज इट ट्रू और नॉट, हाँ या ना, जल्दी से बोलिएगा, यस और नो। स्टूडेंट से यस और नो टू मी, आपको समझ में आया भी है कि नहीं आया ये वाला पॉइंट? कॉन्सियसनेस, एबिलिटी टू सेंस और एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। इट डजंट मीन दैट आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द ह्यूमन और एनिमल इंडिविजुअल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आइदर दे आर प्लांट्स, आइदर दे आर एनिमल्स, आइदर दे आर इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू। वो सब क्या करते हैं, उन सब के पास में ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि ये मार्कर है, इस मार्कर को तोड़ दिया जाए, तो बाकी के जो रिमेनिंग मार्कर है क्या वो मेरे अगेंस्ट में कोई रिस्पॉन्ड क्रिएट करेंगे, या ये मार्कर जिस टाइम पर इसको पीटा जा रहा होगा, इट विल डू एनी रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स मी? नेवर, कभी नहीं करेगा। लेकिन लिविंग बींग्स तो जरूर कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपने किसी के सामने कोई जोक बोला, डेफिनेट सी बात है वो हंसेगा। किसी को गाली दी, वो आपसे लड़ाई करने आएगा, डेफिनेट सी बात है ना। किसी के सामने आपने कोई इमोशनल सीन क्रिएट किया, तो हो सकता है कि वो रो भी जाए आपके सामने। तो ये क्या है, यही तो है जो लिविंग बींग्स के पास में प्रॉपर्टी है। नॉन लिविंग बींग्स में तो ये प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। इसीलिए कॉन्सियसनेस भी क्या है, एबिलिटी टू सेंस या एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड, जो कि लिविंग बींग्स में ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो अकर्स, पहली बात, ओनली इन लिविंग बींग्स। ठीक है, सिर्फ लिविंग बींग्स में ही ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, नॉन लिविंग बींग्स में देखने को नहीं मिलती है। अप्लाइड ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, अप्लाइड होती है ऑन ऑल लिविंग बींग्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन। अच्छा, एक इसका एक्सेप्शन है, और जो कि अननोन फैक्ट है अभी तक, वो है कि जब अगर कोई भी एक ह्यूमन इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल, कोई पेशेंट है जो कोमा स्टेट में होता है,
ठीक है, अगर कोई कोमा स्टेट में कोई इंडिविजुअल है, कोई पेशेंट बॉडी है, उसके लिए अभी तक ये फाइनल कंफर्मेशन नहीं है कि दैट पेशेंट शुड बी कंसिडर अंडर दिस डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर, लेकिन फिर भी उसे इसी फीचर के अंदर कंसीडर किया गया है। पता है क्यों? क्योंकि सिर्फ उस टाइम पर उसका एक बॉडी पार्ट ने, उसने क्या कर दिया, यहाँ पर वो सेंस ही तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन बाकी के तो जो प्रोसेसेस है वो गोइंग है ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर कोई एक इंडिविजुअल है जो कॉमा स्टेट में है कि क्या उसको हम डेड कंसिडर करें, नहीं ना, रहेगा तो वो लिविंग बींग ही। तो इसीलिए एक वो यहाँ पर अननोन फैक्ट है अभी तक, ठीक है, मैं उसको लिख देती हूँ अभी यहाँ पर, अननोन है अभी तक भी, ठीक है, नॉट कंप्लीटली प्रूव्ड है वो, द पेशेंट हु लाई, पेशेंट, हाँ, हु लाइज इन कॉमा, ठीक है, स्टेट या कॉमा कंडीशन, इसके लिए है बस यहाँ पर ये थोड़ा सा अननोन है, जो अभी तक क्या कह सकते हैं हम, फुली प्रूव्ड नहीं है। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो, यस, हाँ, किसी को कोई डाउट है? नहीं ना। अब देखिएगा, हम ये वाली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, इमरजेंस क्या होता है, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज इमरजेंस, ठीक है। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनिंग फीचर इज इमरजेंस। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर आपने उसको एक बार लिविंग बीइंग में कंसीडर कर लिया, दैट इंडिविजुअल डेफिनेटली विल बी कंसील्ड, ठीक है। यानी कि अगर वो एक बार ये कंसीडर कर लिया है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या होगा, विजिबल होगा, इनविजिबल नहीं होगा। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिम्स इनविजिबल नहीं होता है, चाहे वो आपके माइक्रोब्स ही क्यों ना सही, उनको भी तो हम देख सकते हैं ना माइक्रोस्कोप्स के थ्रू, ऐसा तो नहीं कि हम उनको देख नहीं सकते। तो यहाँ पर इमरजेंस प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर ये है जनरली कि अगर हमने एक बार, यानी कि द प्रोसेस ऑफ, आप कह सकते हैं बिकमिंग विजिबल आफ्टर बीइंग कंसील्ड, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, इमरजेंसिस कहते हैं। एक बार एक लिविंग बॉडी आपने कंसीडर कर ली है, देन यू विल बी इजिली एबल टू विजुअलाइज दैट, यू विल बी इजिली एबल टू सी दैट, ठीक है। ऑल्दो कि ये नॉन लिविंग बींग्स की भी केस में होती है, ऐसा नहीं है हम मार्कर को देख पा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है कि बाकी के सारे प्रॉपर्टीज उनके अंदर नहीं होती है, या सारे जो प्रोसेसेस हैं वो उन नॉन लिविंग बींग्स के अंदर में देखने को हमें नहीं मिलती है, जो कि हमें लिविंग बींग्स के अंदर देखने को मिलेंगी। क्लियर है? थोड़ा सा ना ये वाला जो चैप्टर है पूरा आपका थ्योरिटिकल है, थ्योरी थ्योरी से ज्यादा है इसमें, थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी की तरफ जब हम मूव ऑन करेंगे ना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो इमरजेंसीज में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ये कैसी प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग विजिबल आफ्टर बीइंग कंसील्ड, ठीक है। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, इमरजेंस। एनसीईआरटी में नहीं है, कभी पूछा भी नहीं जाता है, बट यू शुड नो अबाउट ओनली इट, ठीक है। यहां तक ये हमारे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज या डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हुए। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, मेटाबॉलिज्म को, मेरे थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू हो रहा है ना। यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? आगे बढ़े। अब हम नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं, उनको तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस कुछ एक पॉइंट थे जो हम डिस्कस नहीं करे थे, बस उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, सानिया को आ गया और दीक्षा, गायत्री, चलिए ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ये मैं रब कर दूँ, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी, अब क्या स्क्रीनशॉट लोगे, मैंने आधा तो रब कर दिया,
रब कर दो। चलिए चलिए ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। मैं सिर्फ उनको एक एक बार आपको रिकॉल कराऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने लाइफ प्रोसेस के अंदर उन दोनों प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, और जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो एक बार वहां पर भी हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉन डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड। पहला ग्रोथ हमें पता है, ठीक है। सेकंड नॉन डिफाइनिंग फीचर है इज रिप्रोडक्शन। किसी किसी बुक में आपको रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर में भी मिलेगा, बट कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। देखिए आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जो नॉन डिफाइनिंग फीचर है ना, ये दो पॉइंट्स पर बेस्ड है, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? पहला तो ये है कि जनरली अगर कोई फीचर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो वो है आपका डिफाइनिंग फीचर। यानी कि पहला तो ये कि प्रेजेंट इन लिविंग एज वेल नॉन लिविंग। अगर ऐसा कोई फीचर जो लिविंग के साथ साथ में नॉन लिविंग बींग्स में भी अवेलेबल है, तो वो आपका नॉन डिफाइनिंग फीचर है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड ये है कि अगर प्रेजेंट तो है इन ओन लिविंग बींग्स ओनली, ऑल लिविंग ओनली, यानी कि नॉन लिविंग बींग्स में नहीं है, बट विद एक्सेप्शन है, ठीक है, बट विद एक्सेप्शन। तो ऐसे जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी हम किस में कंसिडर करेंगे? नॉन डिफाइनिंग में, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो ग्रोथ है, ठीक है, वो तो इस पॉइंट पर बेस्ड है, बताया था ना, ग्रोथ इस वाले पॉइंट को फुलफिल करती है, वो लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग बींग्स में भी है। एक्सेप्शन नहीं कह सकते हैं कि बाकी के लिविंग बींग्स में नहीं है। रिप्रोडक्शन है तो सिर्फ लिविंग बींग्स में, लेकिन विद एक्सेप्शन है। जैसे मैंने आपको इसके एग्जाम्पल बताए भी थे, जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं कौन कौन थे? ह्यूमन कपल्स, इनफर्टाइल, है ना, बहुत सारे ऐसे ह्यूमन कपल हैं, दोस कांट रिप्रोड्यूस, इनफर्टाइल, स्टेराइल है वो, ठीक है, ऐसे। या म्यूल है, म्यूल से कभी नया म्यूल नहीं बन सकता, ऐसे ही हनी, वर्कर बीज है, दोज इवन ऑल्सो कांट रिप्रोड्यूस, वर्कर बीज, ठीक है, ये भी क्या नहीं है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, है तो ये लिविंग बींग्स है लेकिन इनमें रिप्रोडक्शन प्रॉपर्टी अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए किसके अंदर कंसीडर किया गया है, इस पॉइंट के अंदर एक्सेप्शन है। यहां हमने देखा था एग्जांपल में कि जो ग्रोथ है कुछ लिविंग बींग्स है, इनके जितने भी लिविंग बींग्स हैं, अगर ये एक सेल है, ये सेल का साइज इतना हो गया, अब ये सेल से इतना कभी नहीं हो सकता है। यानी कि ग्रोथ कैसा है? एक परमानेंट चेंज है, ठीक है, ग्रोथ इज वॉट, इट्स अ परमानेंट चेंज, पहली बात, और इरिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज, एंड करते हूँ, ठीक है, कभी भी क्या नहीं हो सकती है, चेंज नहीं हो सकती है, इरिवर्सिबल। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने सैंड ड्यून्स की बात करी थी, माउंटेन्स वगैरह की बात करी थी, लैंडस्लाइडिंग हो गई तो ग्रोथ कम हो जाती है, डिपोजिशन हो गया तो ग्रोथ बढ़ जाती है, ये वाली कैसी है? एक टेम्पोररी ग्रोथ है, माउंटेन सैंड ड्यून्स, ठीक है, ये कैसी है? एक रिवर्सिबल चेंज होता है और टेम्पोररी ग्रोथ होती है, आया समझ में? स्टेराइल भी है, किसने बोला है ये? ऋषिकेश, हाँ, स्टेराइल का भी मतलब वही होता है बेटा, इनफर्टाइल। अगर स्टेराइल कोई वर्ड आया हुआ है तो स्टेराइल का भी मतलब इनफर्टाइल ही है, तो हम कह सकते हैं ह्यूमन कपल स्टेराइल और इनफर्टाइल जो है वो दोनों के दोनों क्या नहीं कर सकते, दे कांट रिप्रोड्यूस। ये समझ में आ गया? नॉन डिफाइनिंग फीचर्स को हम सिर्फ यहीं तक डिस्कस करते हैं। इसी के साथ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स जो है वो कंप्लीट हुए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड, नॉट लिविंग बींग्स। इज देयर एनी डाउट? नहीं, चलिए रब कर दें। अब हम आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं ना अच्छे से डिटेल में, ग्रोथ के बारे में, टाइप्स ऑफ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डिफरेंसेस बिटवीन रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, विद ऑल डिटेल्स। अब
जो आते हैं हम इस चैप्टर के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। देखिए नॉर्मली अगर मैं बात करती हूँ टोटल अर्थ पे जो स्पीसीज अवेलेबल है, टोटल दैट इज नियर अबाउट 8 मिलियन स्पीसीज, 8 to 10 मिलियन स्पीसीज अवेलेबल है, 8 to 10 मिलियन स्पीसीज, ठीक है, विद वेरी डाइवर्सिटी, बहुत सारी मतलब अलग अलग तरह की, ठीक है, आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। टोटल इतनी है 8 to 10 मिलियंस ऑफ स्पीसीज, ठीक है, आर जनरली प्रेजेंट ऑन अर्थ। इसमें से अगर मैं बात करती हूँ कि कितनी स्पीसीज जो है नोन है, नोन स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो 2 मिलियन स्पीसीज जो है वो नोन स्पीसीज है, 2 मिलियन स्पीसीज, ये सब ओवरऑल है, टोटल है, ठीक है, जो अर्थ पर अवेलेबल है, 2 मिलियन स्पीसीज नोन स्पीसीज है, नोन स्पीसीज है ये, ठीक है, ऑन अर्थ, ऑन अर्थ। अभी तक हम इतनी स्पीसीज के बारे में जानते हैं, बाकी आप देखते रहते होंगे बहुत सारी जो स्पीसीज हैं वो अभी अंडर रिसर्च ही हैं। अब इस 2 मिलियन स्पीसीज की भी मैं अगर बात करती हूँ, ठीक है, इसमें से भी प्लांट्स की स्पीसीज बहुत ज्यादा है, एनिमल्स की स्पीसीज कम है। इसमें से भी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नियर अबाउट, तो प्लांट्स स्पीसीज मोर है, ये तो फैक्ट है, ज्यादा है, और एनिमल्स की स्पीसीज कम है, ठीक है। अगर मैं एनिमल्स स्पीसीज की बात करती हूँ तो दे आर नियर अबाउट 0.2 मिलियन ओनली, ठीक है, 0.2 मिलियन नोन है ये अभी एनिमल्स की, ठीक। नियर अबाउट 1.7 से 1.8 जो स्पीसीज हैं ये प्लांट्स की हैं जो अभी नोन है। आया समझ में? किसी किसी बुक में आपको हो सकता है 0.8 ही मिले डायरेक्ट, 0.8 और 0.7, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, यहां तक में किसी को कोई डाउट है? आप एक काम करिए, इसे 0.7 टू 0.8 ही करिएगा, 0.7 to 0.8, ठीक है। इतनी स्पीसीज जो है, क्योंकि यहाँ पे भी ये कर लीजिएगा 1 to 2 मिलियन जो स्पीसीज है वो नोन है। देखिए टोटल अवेलेबल इतनी स्पीसीज है 8 to 10 मिलियन स्पीसीज, जिसमें से 1 to 2 मिलियन स्पीसीज जानते हैं हम, जिनके बारे में, जिसमें से 0.7 से 0.8 नोन प्लांट स्पीसीज हैं, और रिमेनिंग 0.2 जो स्पीसीज है वो हमारी एनिमल्स की स्पीसीज है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करती हूँ, ओवरऑल जो नोन स्पीसीज है, ठीक है, वो आपको इस तरह से मिल सकती है, 1.7, 1.8 या 1.7 to 2 मिलियन, ऐसे करिएगा इसे, 1.7 to 2 मिलियन ऑफ नोन स्पीसीज विद वेरी डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह की, ठीक है, अवेलेबल ऑन अर्थ। इतनी जो स्पीसीज है वो क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है, अवेलेबल है अर्थ पे, ये वाला पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से ये, ठीक है। ऑल्दो मैंने यहाँ पे इसको लिख चुकी हूँ 1.2, इसमें से भी अगर आपसे बेस्ट चॉइस पूछी जाए ना, इसमें से भी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 1 to 2 मिलियन लिख रहे हो आप, यहाँ पे 1.7 to 2 मिलियन लिख रहे हो, ठीक है, तो यही है आपका जो बेस्ट ऑप्शन है, इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है, अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो। अब देखिएगा, अब हम चलते हैं, चलिए जी, ये स्पीसीज इतनी तो जान ली गई, कैसे पता चला कि ये एनिमल होना चाहिए, ये प्लांट होना चाहिए, ये इसका नाम होना चाहिए, ये इस प्लांट का नेम होना चाहिए, वो किस तरह से पता लगा, ठीक है, ये सारा काम कर कौन रहे हैं, नेचुरल सी बात है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, बायोलॉजिस्ट कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब यहां पर एक जो पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो है आपका टैक्सोनॉमी, ठीक है, एक वर्ड है दैट इज टैक्सोनॉमी, ये क्या होता है ये समझिएगा, इसके अंदर में हमें यही तो पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, ठीक है, यही सब तो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। यानी कि आप जो नॉन स्पीसीज है उनके बारे में स्टडी कर रहे हो विद ऑल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं।
क्लियर है, क्या कहते हैं हम उसे, टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द स्टडी ऑफ नोन फीचर्स ऑफ एन मत लिखिएगा, ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विद फाइलोजेनिक रिलेशनशिप इज नोन एज टैक्सोनॉमी, इसे कहते हैं। यहां पर जो ये वर्ड है ना आपका फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, ये हमारा इसी चैप्टर में, इसके आगे वाला जो चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम के अंडर में, ठीक है, पूरा डिटेल में। किसकी स्टडी कर रहे हैं हम, जो नोन फीचर्स हैं, जिनके बारे में हमें पता है, चाहे वो आपका लिविंग एक प्लांट बॉडी है, चाहे वो आपकी एक एनिमल बॉडी है, उस ऑर्गेनिजम्स के जो नोन फीचर्स हैं उनकी स्टडी, अगर हम उसके फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, उसका रिलेशन कैसे है, ठीक है, प्रीवियसली जो उसकी, जिसका ओरिजिन है, कहां से हुआ है, उन सब के साथ में रिलेट करके जो स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है टैक्सोनॉमी। इज इट क्लियर और नॉट, ये समझ में आया पॉइंट कि नहीं आया, जल्दी से बताइए, यस और नो, हाँ या ना, आ गया नहीं आया, आ गया, अच्छा आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नोन फीचर्स, फीचर्स हमने पढ़ लिए हैं जस्ट अभी, उन सारे फीचर्स की एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ में उसके फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, इसको हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के अंदर में, डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, ठीक है, वहां आप इसको देखोगे प्लांट किंगडम के अंदर। अभी मैं नॉर्मली बता देती हूँ फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, यानी कि ये इस चीज से रिलेट करता है कि जो उनका ओरिजिनेशन है वो किस से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसके साथ में अगर हम स्टडी कर रहे हैं किसी भी एक ऑर्गेनिजम्स के, उसके जो नोन फीचर्स हैं उनकी, उन फीचर्स की, उसे कहते हैं हम क्या, टैक्सोनॉमी, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कार्लस लीनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, से कार्ल लीनियस के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, कार्लस लीनियस, ये ए ई है, है ना, कार्लस लीनियस, या इन्हीं को कार्ल लीनियस भी कहा जाता है, ऑल्सो नेम्ड, इन्हीं का शॉर्ट नेम भी है वो कार्ल लीनियस। ये हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कार्लस लीनियस या कार्ल लीनियस कैसे भी कंसीडर कर लीजिएगा, साइंटिफिक नेम नहीं है, ठीक है। इनको फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, सॉरी, ठीक है, यहां पर लिख रही हूं मैं, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये क्या होता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, हमें पूरा पढ़ना है इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना है, इसके थोड़ा सा आगे जाते ही हमें ये पढ़ना है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। यहां तक समझ में आया सबको, यस और नो, सबको समझ में आ गया ना, चलिए यहां तक जल्दी से नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जो भी आपको ठीक लगे, फिर मैं इसे रब करती हूँ, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रब कर दूँ, देखिए अब हम थोड़ी सी कहानी पढ़ेंगे जो फादर हैं टैक्सोनॉमी के उनके बारे में, ठीक है, थोड़ी सी, बस ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी, बिल्कुल एक दो वर्ड्स, कि जो कार्लस लीनियस थे जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर कंसीडर्ड किया गया, क्यों किया गया, इन्होंने दो बुक्स पब्लिश करी अपनी, ठीक है, एक बुक तो थी स्पीसीज प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने प्लांट्स के बायनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया था,
और एक बुक थी इनकी सिस्टेमा नेचर, जिसमें इन्होंने एनिमल्स के बायनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया था, ठीक है। तो कैरलस लीनियस या कार्ल लीनियस, कैसे भी कर लीजिए, ठीक है, ही पब्लिश्ड, ठीक है, हिज बुक्स, इनकी जो बुक्स थी वो दो बुक थी, और एक एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के लिए थी, एक प्लांट्स के एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए थी। सिस्टेमा नेचर एक बुक थी, ये बुक एनिमल्स के लिए थी, फॉर एनिमल्स, ठीक है। ये भी पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, एक से दो क्वेश्चन बनते हैं, जो एक क्वेश्चन तो फादर का ही आएगा ही आएगा, चाहे वो यहां से आ जाए, या फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, या हु गेव द टर्म बायोलॉजी, ऑलरेडी हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था ये सारी चीजें। दूसरा, इन्होंने जिनकी जो बुक पब्लिश हुई थी, दैट वॉज स्पीसीज प्लैनेटेरम, स्पीसीज प्लैनेटेरम, ठीक है, ये थी इनकी प्लांट्स के लिए, नाम से पता चल रहा है ना, प्लांटेरम मतलब फॉर प्लांट्स। इनकी ईयर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इन विच ईयर स्पीसीज प्लांटेरम पब्लिश्ड, इन विच ईयर सिस्टेमा नेचर वॉज पब्लिश्ड। तो ये जो बुक पब्लिश हुई थी इन 1753 में, ठीक है, स्पीसीज प्लांटेरम, और ये बुक जो पब्लिश हुई थी इट वॉज पब्लिश्ड इन 1758 में, ठीक है, सिस्टेमा नेचर। ये एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के लिए थी, उनकी नेमिंग के लिए थी, ये प्लांट्स के लिए थी। यहां तक मैं, किसी को कोई डाउट है, आगे बढ़े अब हम थोड़ा सा और, ठीक है। इन्होंने और भी क्या किया था, ये जो कैरलस लीनियस थे, ही ऑल्सो गिव बाइनोमियल नॉमन क्लेचर, ठीक है, इन्होंने और भी क्या दिया था, ही ऑल्सो गिव बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखिएगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये क्या होता है, ये हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे दो वर्ड हैं, बाय और एक नोमियल, है ना, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर को ना हिंदी में क्या बोलते हैं, नामकरण संस्कार, ठीक है। मैं एक से बता रही हूँ आपको समझने के लिए, नोमेनक्लेचर का मतलब ही ये होता है कि हम यहाँ पर, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है द नेमिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। आप नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कह दीजिए, आप किसी एक ऑर्गेनिज्म को या किसी एक इंडिविजुअल को जो नाम दे रहे हो ना, उसे हम नॉमन क्लेचर कहते हैं। बाय का मतलब क्या है, टू, और नॉमियल का मतलब वही नेम, यानी कि जो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म थी उसको दो नाम दिए गए, एक मतलब एक और दूसरा कौन सा होगा मैं भी बताऊंगी यहां पर। तो बाय मतलब टू और नॉमियल मतलब नेम, उसी को कहते हैं बायनोमियल नॉमन क्लेचर। यहां तक भी कोई डाउट है, ये हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है, पूरा का पूरा, ठीक है। अब बेसिकली जो हमने एक वर्ड मेंशन किया था, टैक्सोनॉमी, ठीक है, टैक्सोनॉमी, वो जो टैक्सोनॉमी है वो फोर प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे लेके आते हैं हम इसको, टैक्सोनॉमी हमें पता है कि होता क्या है। टैक्सोनॉमी का मतलब है स्टडी कर रहे हैं हम आप नॉन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की उसके फाइलोजेनिक रिलेशनशिप के साथ में, उसी को तो हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो ये टैक्सोनॉमी बेसिकली किस चीज पर बेस्ड होती है, इट इज बेस्ड ऑन फोर प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा, अब ये फोर प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? सबसे पहला ये टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन दीज फोर प्रॉपर्टीज। चलिए यहां पे हम समझते हैं कि ये क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, दैट इज व्हाट, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, एंड द सेकेंड वन इज या क्लासिफिकेशन, सॉरी एक मिनट बेटा, फर्स्ट इज कैरेक्टराइजेशन, नॉट आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कैरेक्टराइजेशन ऑफ टैक्सोनॉमी, सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन, ये फोर्थ है, सॉरी, क्लासिफिकेशन,
थर्ड वन इज नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, एंड द फोर्थ वन इज क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होगा, ठीक है। टैक्सोनोमी इज बेस्ड ऑन दीज फोर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या दीज फोर प्रॉपर्टी, ये हमें पढ़ना है क्या कैरेक्टराइजेशन होता है, क्या आइडेंटिफिकेशन होता है, क्या नोमेनक्लेचर होता है, जो हम यहाँ पढ़ेंगे पढ़ेंगे डिटेल में, एंड द लास्ट वन इज क्लासिफिकेशन। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इन फोर प्रॉपर्टीज ऑफ टैक्सोनोमी जिस पर बेस्ड है उनको डिस्कस करते हैं। जल्दी से कीजिएगा, मैं इसे रब कर देती हूँ तब तक ऊपर से, ठीक है। अब एक एक करके ना जिन पर ये टैक्सोनोमी बेस्ड है इन पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को हमें डिस्कस करना है। सो नाउ द फर्स्ट वन इज कैरेक्टराइजेशन। देखिए हम समझ क्या रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, पहले तो ये पढ़ रहे हैं हम, हमारा ये चैप्टर प्रॉपर्टीज हम इसकी पढ़ चुके, हमें पता है इस चैप्टर के अंदर 1.7 to 2 मिलियन जो स्पीसीज हैं वो नोन हैं। टोटल अर्थ पे अवेलेबल 8 to 10 मिलियन ऑफ स्पीसीज हैं। कैसे ये पता लगाया जाता है कि जो प्लांट है इसे प्लांट होना चाहिए या इसे एक एनिमल होना चाहिए या इसका ये नाम होना चाहिए या ये इस फैमिली से बिलोंग करता हुआ होना चाहिए या इसकी ये क्लास होनी चाहिए, हम ये सब पढ़ रहे हैं। कैसे इस पूरे लिविंग वर्ल्ड को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैरेक्टराइजेशन। मैं आपको यहाँ पे समझा समझा करके बताऊंगी। जैसे देखिएगा, आपको पहले से पता है एक दो स्पीसीज के बारे में, एक प्लांट के बारे में आपको पता है, एक यहाँ पर आपको न्यू प्लांट मिला कोई, और ये सपोज कोई एक्स प्लांट है, कोई भी एक नया प्लांट मिला है, और एक ऑलरेडी जो नोन प्लांट है, ऑलरेडी नोन प्लांट है जो जिसके बारे में आप सारी बातें जानते हो। मैं यहाँ पे प्लांट की जगह कोई एनिमल भी ले सकती हूँ क्योंकि हम सबके केस में तो ऐसे ही स्टडी करते हैं, चाहे वो एनिमल हो या वो प्लांट हो, ठीक है। ये जो प्लांट है, सपोज ये ए प्लांट है, इस प्लांट के पूरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप जानते हो, आपको पता है, या जब इस प्लांट को बनाया गया होगा तो इस प्लांट को भी आपने इसी तरह से बनाया होगा जैसे आप एक्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। ये नया प्लांट है, ये न्यू प्लांट है, न्यूली फाउंड प्लांट है, एक्स प्लांट। तो कैरेक्टराइजेशन के अंदर में क्या करोगे, जो ये प्लांट आपको मिला है, इस प्लांट के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आप क्या करोगे, लिस्ट बना लोगे। हाइट कैसी है, नेचर कैसा है, एक्वेटिक है, डेजर्टिक है, मेसोफाइटिक है, कैसा प्लांट है ये, ठीक है, किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, इट इज अ सैप्रोफाइटिक प्लांट, सॉरी इट इज अ बेसिकली हाँ स्पोरोफाइटिक प्लांट है ये, या एक गैमेटोफाइटिक प्लांट है, या ये थैलोफाइटिक प्लांट है, ठीक है, किस तरह का ये प्लांट है, क्या ये फ्लावरिंग प्लांट है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का हो रहा है, वेजिटेटिव हो रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ये सारे के सारे आपने, इसका कलर कैसा है, हाइट कैसी है, लीफ का साइज शेप क्या है, सारे पॉइंट्स को आप क्या कर लोगे, लिस्ट कर लोगे, बना लोगे एक पॉइंट पे, एक पेपर पे नोट कर लोगे, ठीक है। तो कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या हो गया, लिस्टिंग ऑफ ऑल कैरेक्टर्स, ठीक है, ऑफ ऑल कैरेक्टर्स। आप क्या कर रहे हो, लिस्ट बना रहे हो उन कैरेक्टर्स की, ऑफ ऑल कैरेक्टर्स इन किसमें, न्यूली फाउंड प्लांट के अंदर में। न्यूली फाउंड प्लांट नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म लिख रही हूँ क्योंकि ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट भी हो सकता है, वो एक एनिमल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पे प्लांट्स के साथ एग्जाम्पल कंसीडर किया है, ये एक अलग बात है, ठीक है। तो लिस्टिंग ऑफ ऑल कैरेक्टर्स इन न्यूली फाउंड ऑर्गेनिज्म, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। आया समझ में सबको, हाँ या ना, जल्दी से बताइएगा यस और नो। ओके ठीक है, तो न्यूली आपने लिस्ट कर लिया। अब सपोज करिएगा आपकी जो लिस्ट है उस लिस्ट में आपने 10 जो ट्रेट्स हैं, 10 जो कैरेक्टर्स हैं उनको आपने बना लिया। इसकी हाइट कैसी है, उसका कलर कैसा है, इज इट अ फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इट इज अ स्पोरोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक, थैलोफाइटिक, इट इज अ एक्वेटिक प्लांट्स, इट इज अ डेजर्टिक, मेसोफाइटिक, किस तरह का प्लांट है ये, आपने सारी की सारी लिस्ट यहां बना ली।
उसी को हम कह रहे हैं करेक्टराइजेशन। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी जिस पर टैक्सोनॉमी बेस्ड है उसके बारे में बात करेंगे हम। जो सेकंड है वो क्या थी करेक्टराइजेशन के बाद में? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है बताइए, हिंदी में क्या कहते हैं? किसी चीज की पहचान करना ना। ये आपको एक नया प्लांट मिला, इसकी आपने यहाँ पे लिस्ट बना लिया करेक्टर्स की, आप क्या करोगे आइडेंटिफिकेशन के अंदर में, यानी कि इसके सपोज करिएगा आपको 10 करेक्टरिस्टिक्स आपने बनाए, उस 10 में से 8 जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस ए प्लांट से रिजेंबल कर रहे हैं। आया मेरी बात समझ में? इसके जो 10 फीचर्स आपको मिले, उस 10 फीचर्स में से 8 करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो इस ए प्लांट्स के साथ बहुत ज्यादा रिजेंबल कर रही है। हो सकता है हाइट से रिजेंबल कर रही हो सकता है कि ये भी गैमेटोफाइटिक प्लांट है, ये भी गैमेटोफाइटिक प्लांट है, ये भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, ये भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट है ना, ये भी एम्फीबियंस है, ये भी एम्फीबियंस है। ठीक है, इस तरह से इसमें से टोटल जो 8 है वो इससे रिजेंबल कर रहे हैं, सिर्फ 2 इसकी न्यू करेक्टर्स है, 2 जो प्रॉपर्टीज है 2 वो अलग है बिल्कुल, वो इससे मैच नहीं कर रही है। ठीक, अब क्या होगा? यानी कि यहां पर आपने क्या किया आइडेंटिफिकेशन में? आपने क्या किया आइडेंटिफिकेशन में? आपने कंपैरिजन किया। आया समझ में? आपने क्या किया आइडेंटिफिकेशन के अंदर में? कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन ऑफ ऑल कैरेक्टर्स ऑफ ऑल कैरेक्टर्स ऑफ न्यूली फाउंड प्लांट ऑफ न्यूली फाउंड प्लांट विद ऑलरेडी फाउंड। बेटा यहां ना न्यूली फाउंड ऑर्गेनिज्म करिएगा, प्लांट तो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं बट इट मे बी एनिमल, इट मे बी एनीथिंग। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, न्यूली फाउंड ऑर्गेनिज्म विद ऑलरेडी फाउंड ऑर्गेनिज्म। आया समझ में? जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में आप पहले से जानते हैं उस ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स का, और जो आपको नया जो ऑर्गेनिज्म मिला है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का आप क्या कर रहे हो? कंपैरिजन कर रहे हो कि कितने इसमें से मैचिंग्स हैं, कितने अनमैच्ड हैं। ठीक है, अगर देखिएगा मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे जो ये एक्स नया प्लांट है इसके 10 कैरेक्टर्स में से 8 कैरेक्टर्स ऑलरेडी फाउंड प्लांट्स के साथ मैच कर रहे हैं, तो क्या कर दिया जाएगा? इस प्लांट को इसी की फैमिली में इंक्लूड कर दिया जाएगा, इसी की सब क्लास बना के इसको छोड़ दिया जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? अगर इसके सिर्फ 2 ही, भाई 2-3 कैरेक्टर्स तो मिलेंगे, ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा कि ये भी एक प्लांट बॉडी है, ये भी एक प्लांट बॉडी है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ऑटोट्रॉफिक ही है, इसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रॉफिक ही है, इसके भी रूट फिक्स्ड हैं, इसके भी रूट फिक्स्ड हैं, इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स तो मिलेंगी मिलेंगी ना, लेकिन बाकी के जो मेजर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं। सपोज ये गैमेटोफाइटिक प्लांट है लेकिन ये तो एक स्पोरोफाइटिक प्लांट है, सपोज ये एक फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन ये तो एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो बिल्कुल नहीं मिल रही है। सपोज कि इसके पास में टैप रूट सिस्टम है, ये सब जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ना ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है इसी क्लास के अंदर, तो अभी से हम सोचेगा कि गैमेटोफाइटिक सेप्रोफाइटिक सब क्या बोला जा रहा है ना, थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे इनके बारे में। तो यहाँ पे ये है कि इस तरह से कुछ कैरेक्टर्स तो मिले लेकिन बाकी के जो मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तब क्या करेंगे? तब हम इसके लिए एक नई क्लास बनाएंगे। आया समझ में? अगर मिल रहे हैं ज्यादा कैरेक्टर्स तो उसी के क्लास में सब क्लास करके ऐड कर दिया जाएगा, नहीं मिल रहे हैं तो एक नई क्लास बना दी जाएगी। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए? कैरेक्टराइजेशन में जो नया प्लांट मिला है उसकी आपने लिस्ट बना ली है कैरेक्टर्स की, उसे कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। आइडेंटिफिकेशन में आप अब क्या करा रहे हो? आइडेंटिटी मैच कर रहे हो दोनों की, जो नया प्लांट है और जो ऑलरेडी फाउंड प्लांट है, कि क्या वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं या नहीं है। अगर थोड़े बहुत सिमिलर हो रहे हैं तो हम उसको उसी क्लास में इंक्लूड कर सकते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, अगर बिल्कुल ही डिफरेंट है तो उसके लिए एक नई क्लास बनाई जाएगी। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ या ना, जल्दी से बताइए, यस और नो? आ गया, ठीक है। चलिए अब जो थर्ड हमारी पॉइंट थी, ठीक है, वो क्या था? नोमेनक्लेचर। अब आ जाते हैं हम हमारे थर्ड पे, ठीक है, नोमेनक्लेचर।
यानी कि आपने उस नए न्यूली फाउंड ऑर्गेनिज्म्स के करेक्टर्स की लिस्ट बना ली, आपने उनका कंपैरिजन कर लिया, अब आपको उनको एक नेमिंग भी करना है। उस यानी कि जो एक्स प्लांट है, अब इसे एक्स थोड़ा ना रहने दोगे, इसका कोई तो नाम दोगे, तो वही होता है नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर मींस द नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोमेनक्लेचर। ये जो नोमेनक्लेचर होती है ना, ये दो तरह से होती है, समझिएगा। ठीक है, नोमेनक्लेचर जो होता है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का दो तरह से दिया जाता है। एक तो हम जिसे कह सकते हैं कॉमन नेम, ठीक है, एक तो हो सकते हैं दे मे बी गिवन टू एन ऑर्गेनिज्म अ कॉमन नेम। कॉमन नेम दिया जा सकता है एक तो उस प्लांट को, या वर्नेक्यूलर नेम, एक ही मतलब है, या वर्नेक्यूलर नेम। ठीक है, सेकंड जो होता है वो होता है साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम, या इसे हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम। यहां तक में कोई डाउट? नेम उस ऑर्गेनिज्म के दो तरह से दिए जा सकते हैं, एक तो वर्नेक्यूलर या कॉमन नेम दिया जा सकता है, या एक साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम उस ऑर्गेनिज्म को दिया जा सकता है। ये जो कॉमन नेम है, नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन नेम कह सकते हो, या आप इसे लोकल नेम भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, नाम से ही पता चल गया होगा कि ये वाला जो नेम दिया जाएगा, ठीक है, दिस नेम इज गिवन बाय कॉमन पीपल, है ना, कॉमन पीपल, या लोकल पर्सन कह सकती हूँ मैं, लोकल इंडिविजुअल या लोकल पर्सन, ठीक है, ऑफ दैट लोकल एरिया। ठीक है, ये जो नेम है ये कॉमन पीपल के थ्रू दिए जाते हैं, या जो वहां पे रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, वो लोकल इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने हिसाब से अपनी बोली भाषा के अकॉर्डिंग उनका नाम देते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ये वाले जो नेम होते हैं ये नॉट वैलिड होते हैं। ठीक है, ये वैलिड नहीं होते हैं, ये नेम रीजन्स टू रीजन, प्लेसेस टू प्लेसेस वैरी करते हैं। हो सकता है एक आपके उस्मानाबाद में किसी एक ऑर्गेनिज्म को कुछ और बोलते हो सकता है कि वहीं पर अगर आप उसी का दिल्ली में कोई नेम जानेंगे तो उसका लोकल नेम अलग होगा। कॉमन है ना ये बात? तो ये तो जो हमेशा ये नेम क्या करते हैं, वैरी करते हैं, ये एक जैसे भी नहीं होते हैं, इसीलिए इनको वैलिड नेम भी कंसिडर नहीं किया जाता है। लेकिन ये वाले जो नेम होते हैं इनको लोकल नेम नहीं देते हैं, लोकल इंडिविजुअल्स नहीं देते हैं, दीज नेम आर गिवन बाय साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट। ठीक है, इनको कौन देते हैं, बायोलॉजिस्ट देते हैं या साइंटिस्ट देते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह वेरी बिल्कुल नहीं करते हैं। आप इंडिया के अंदर हो, अगर इंडिया के अंदर किसी एक प्लांट का साइंटिफिक नेम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगो है, मैं आपको एक एग्जांपल दे करके बताती हूँ, मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजी फेरा इंडिका, ये है इसका साइंटिफिक नेम। ठीक है, मैंजी फेरा इंडिका। आप इंडिया चले जाइए, जापान चले जाइए, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, ये नेम नहीं चेंज होगा, ये नेम तो सेम रहेगा। हाँ, ये हो सकता है इसको अलग अलग से दिया जाए, जैसे आपके यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है बताओ जल्दी से, कॉमन, कॉमन में क्या बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में, मुझे बताया था किसी एक स्टूडेंट ने, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आम को कुछ और बोलते हैं आपके यहाँ पे, बताइए जल्दी से, नहीं तो चलिए मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताऊंगी इसको। ठीक है, किसी ने मैसेज किया अम्बा, हाँ ठीक है, वही ना, जैसे आपके यहाँ पे इसको अम्बा बोलते हैं, किसी के यहाँ पे कुछ और बोलते होंगे, कहीं पे आम बोलते हैं। चलिए, आम तो एक हिंदी वर्ड है जो हर जगह सेम होगा, मैंगो एक इंग्लिश वर्ड है वो भी हर जगह सेम होगा, लेकिन जो लोकल नेम है, जैसे आपके यहाँ पे अम्बा बोला है, कहीं पे आमो बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं, लेकिन मैंजी फेरा इंडिका इट विल नेवर चेंज एनीवेयर, ये कहीं भी चेंज नहीं होगा, ये यूनिवर्सली फिक्स्ड है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, और कहीं भी इसका कोई नेम चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो ये है कि गिवन बाय साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट, दूसरा ये तो वैलिड नहीं होता है, बट इट इज वैलिड।
ठीक है, यूनिवर्सली सेम होता है, यूनिवर्सली सेम ट्रू होता है, नॉट चेंज्ड फ्रॉम रीजन टू रीजन और फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस। आया समझ में? अब मैं आपको ना कुछ एक दो एग्जाम्पल बताती हूँ, जो लोकल जो नेम दिए जाते हैं जनरली वो कैसे दिए जाते हैं। लोकल नेम किसी भी एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनिज्म को उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं उनको देख करके या उनके बिहेव को देख करके दिए जाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आगे से रब करके थोड़ा बढ़ती हूँ। जल्दी से ले लिया? ओके ठीक है। अब एक आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ में बताती हूँ, जैसे कि एक तो मैंने आपको बता दिया मैंगो का बता दिया, अब हम एक एनिमल का एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं और एक दो प्लांट का और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है कॉमन नेम और इधर होंगे साइंटिफिक नेम। देखिएगा साइंटिफिक नेम में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ना ही वो रीजन टू रीजन चेंज होंगे, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी या प्लेस टू प्लेस, लेकिन कॉमन नेम तो भाई वेरी करेंगे। ठीक है, वो तो चेंज होंगे क्योंकि उनको कोई किसी प्रिंसिपल्स या किसी लॉ वगैरह के अंदर नहीं दिया जा रहा है, वो ऐसे ही दिए जा रहे हैं, वहां के जो लोकल कम्युनिटी है, जो वहां के जो पब्लिक है वो ऐसे ही फिक्स कर रही है। एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ मैं आपको, क्रॉ का। क्रॉ देखिए, इंग्लिश में इंग्लिश नेम तो है इसका क्रॉ, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, कौआ, यही बोलते हैं ना हिंदी में, कौआ, ये इसका हिंदी नेम है। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे बताइए, ये भी मुझे सुनने में आया, इसे कहीं कहीं पे कौआ भी बोला जाता है, कौआ है ना। और आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ, कावला। एग्जैक्टली हाँ, कावला। ठीक है, मराठी में इसे बोलते हैं कावला। चलिए ये तीन नेम हो गए, ये तो हिंदी नेम है, ये इंग्लिश नेम है, ये मराठी नेम है। हो सकता है किसी और मतलब स्टेट में किस इसको कुछ और भी बोलते होंगे, है ना, इसके नेम ये हो गए सब अलग अलग, तीन नेम हो गए। तो ये देखिएगा कॉमन नेम में कितने सारे नेम अलग आ चुके हैं, इंग्लिश में कुछ और कह रहे हैं, हिंदी में कुछ और कह रहे हैं, और जो हमारी अपनी खुद की पर्सनल जो हमारी लोकल जो लैंग्वेजेस होती हैं उनमें कुछ अलग कह रहे हैं, ऐसे हो गया ना। ठीक है, लेकिन साइंटिफिक नेम में क्या ऐसा होगा? नहीं, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, ये है इसका साइंटिफिक नेम, कॉर्वस स्प्लेंडेंस और स्प्लेंडेंस, ये आगे भी वही रहेगा सेम। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे पूरा, इसे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, ये है इसका साइंटिफिक नेम। अब आप चाहे मराठा में हो या आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये नेम तो चेंज नहीं होगा। हाँ, ये आपको जगह जगह हो सकता है गुजराती में कुछ और बोलते हो, बंगाली में कुछ और बोलते हो, मलयालम में कुछ और बोलते हो, तमिल में कुछ और बोलते हो। तमिल से एक और याद आया, एक और हम डिस्कस करते हैं, ये हो गया एक एनिमल का। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रॉ का आपको बताया था, क्रॉ का। ठीक है, जैसे ये इंग्लिश नेम है इसका कौवा, हिंदी नेम था कौवा, हिंदी नेम है, और कावला ये मराठी नेम है। ठीक है, ये तीन नेम हो गए इसके अलग अलग, लेकिन साइंटिफिक नेम तो एक ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, कैसे इसका नेम ये कैसे रखा, क्रॉ या कौआ? अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो बोलने का नेचर है ना, ये काव काव करता है बहुत ज्यादा, इसीलिए इसको कावला या कौआ, है ना। कलर कैसा है इसका, ब्लैक कलर है इसलिए इसको ये नाम दिया गया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे उसको साइंटिफिक नेम कैसे दिया गया है वो हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, कैसे एक इंडिविजुअल को साइंटिफिक नेम दिया जाता है। ठीक है, क्या उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या उसके रूल्स होते हैं। ठीक है, जब कैरलस लिनियस ने साइंटिफिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था तो उन्होंने नियर अबाउट 72 रूल्स दिए थे, जिसमें से हम तीन चार रूल्स पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 72 रूल्स उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो उनकी अपनी बुक थी उसमें पूरा लिखा था कि अगर कोई भी एक नेम है इन सारी चीजों को फुलफिल करता हुआ होना चाहिए। दूसरा, एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं रोज का, रोज। ठीक है, इंग्लिश नेम है रोज, हम जानते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, गुलाब।
है ना, गुलाबी कलर का होता है इसलिए इसको गुलाब बोल दिया है, ठीक है, हिंदी में बोल दिया। अब इसके अलावा अगर मैं बात करती हूं इसे बंगाली में क्या बोलते हैं, बंगाली में या तमिल में क्या बोला जाता है, ठीक है, बंगाली में इसको बोला जाता है गुलाब, ये गुलाब, ये बंगाली में बोला जाता है इसको गुलाब, ठीक है। और एक वर्ड होता है राजोपा, ये तमिल में बोला जाता है, राजोपा इन तमिल, बंगाली में गुलाब, हिंदी में गुलाब और इंग्लिश में रोज। मराठी में क्या बोलते हैं, एनी आइडिया, मराठी में क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से, बताएगा कोई, मराठी में कावला बोलते हैं, वो तो कावला तो कौए को बोलते हैं कि गुलाबी बोलते हैं, अच्छा गुलाबी बोलते हैं, चलिए ठीक है। तो ये ऐसे हैं, बाकी हो सकता है कि कहीं पे और कुछ अलग बोलते हो। अगर मैं इसका साइंटिफिक नेम की बात करती तो क्या साइंटिफिक नेम में इसका कोई अलग नाम होगा, बिल्कुल नहीं, साइंटिफिक नेम में इसका यही नाम है, दैट इज रोजा इंडिका, ठीक है। अच्छा एक बात और नोटिस करना, जहां जहां मैं साइंटिफिक नेम लिख रही हूँ वहां वहां पर ये अलग से अंडरलाइन भी कर रही हूँ सेम, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। ये समझ में आया सबको, जो नोमेनक्लेचर था यहां तक समझ में आया, नोमेनक्लेचर का मतलब जो न्यूली फाउंड ऑर्गेनिम्स है, अब आपने उसको नेम देना है। अगर आप साइंटिस्ट हो बायोलॉजिस्ट हो तो आपको ये नेमिंग करनी है ना। अगर आप एक लोकल इंडिविजुअल हो खुद अपने लेवल पे कर रहे हो तो आप इनमें से कोई एक नेम दे सकते हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं, बट द थिंग इज दैट कि ये वाले जो नेम्स होते हैं दे आर नॉट वैलिड, दे जनरली वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। आप एक जगह पर हो सकता है कि आपके जगह पर इसको यही नाम बोला जाएगा, लेकिन किसी और पर्टिकुलर रीजन में वेन एवर यू विल एंटर तो वहां पर ये नाम आपको अलग मिलेगा, लेकिन ये नेम तो दुनिया के किसी भी कोने में आप हो, चाहे आप इंडिया के अंदर हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, कहीं भी हो, सब जगह सेम मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई वेरिएशन नहीं होते, ये फिक्स रहते हैं, ये वेरी करते हैं। यहां तक में किसी को कोई डाउट है अप टू नोमेनक्लेचर? वीडियो नहीं दिख रहा है पूजा, सिर्फ आपको वीडियो नहीं दिख रहा है बेटा, बाकी तो सबको दिख रहा है। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा वीडियो नहीं दिख रहा है, लो अब देख लीजिएगा साइड से, अब ठीक है। यस मैम, चलिए अब हम क्लास को यहीं पे आज कंप्लीट करते हैं। नॉमेनक्लेचर जो इसके आगे का रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर क्या होता है बस अभी हमने इतना समझा है, अब हम कल पढ़ेंगे इनके बारे में पूरा, ठीक है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो कैरोलस लिनियस ने दिया था, उन्होंने अपनी स्पीसीज प्लांटेरम में कितने नेम्स को दिया और जो सिस्टम ऑफ नेचर था उस बुक में कितने एनिमल्स के नेम का उन्होंने नॉमेनक्लेचर किया, क्या उनके प्रिंसिपल्स हैं, किस तरह से उनका क्लासिफिकेशन, किस तरीके से नेमिंग करी जाती है, दिस ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई डाउट है एक बार बता दीजिए, नहीं डाउट है तो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, नो डाउट, ओके बेटा।